Hello, my dear students. How are you? I hope you are keeping great. Okay, so let's start chapter number 2 from Footprints Without Feet book. Okay, the title of the chapter is The Thieves' Story, and this is written by Ruskin Bond. Okay, so this story is about two boys, two young fellows, who are entirely different from each other. Now, one is 25 years old named Anil, and another one is 15 years old named Hari Singh. Alright? So, चलिए स्टोरी पे आते हैं. स्टोरी में क्या है? जो 25 साल का बंदा है, 25 साल का लड़का है, वो क्या है? उसका नाम अनिल है. ठीक है? And दूसरा जो 15 साल का लड़का है, उसका नाम हरि सिंह है. अब हरि सिंह क्या है? एक चोर है, एंड जो हर टाइम, मतलब एवरी नाउ एंड देन, वो अपना नाम बदलता रहता है. क्यों? क्योंकि पुलिस से बचने के लिए और अपने जो एक्स एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिनके साथ वो काम करता था, जिनके लिए वो काम करता था, उनसे बचने के लिए उसे बार बार अपने नाम बदलने होते हैं. और इस बार उसने अपना नाम क्या रखा है? हरि सिंह. ओके, तो वो क्या है, एक बार वो किसी दुकान में अनिल से मिलता है, और अनिल क्या कर रहा था? वहाँ चाय पी रहा होता है या रेसलिंग देख रहा होता है टीवी में. ठीक है, तो ये उसको देखता है, और चोरों, यू नो, चोर भी ताक में रहते हैं कि कौन इंसान कैसा दिख रहा है, इजीली अप्रोचेबल है कि नहीं. तो इसे अनिल बड़ा अच्छा लगा, बहुत, मतलब सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड पर्सन लगा. तो ये उसके पास गया, तो उसे पता है कि टीवी में रेसलिंग देख रहा था. तो उसने, हरि सिंह ने अनिल को फ्लैटर करना शुरू कर दिया कि अरे वाह, तुम भी बड़े रेसलर लगते हो. तो जब अनिल ने हरि सिंह को भी यही बोला कि तुम्हारी बॉडी भी रेसलर जैसी है, तो हरि सिंह थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि वो तो बड़ा कमज़ोर हो गया था इन दिनों. फिर क्या हुआ, अनिल वहाँ से जाने लग गया, तो हरि सिंह ने क्या बोला कि प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो. उसने कहा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है. तो वो फिर हरि सिंह अपने जो बेस्ट स्माइल होती है ना, उसने वो की, अपनी बेस्ट स्माइल अनिल को पास की. अब अनिल एक काइंड पर्सन था, सॉफ्ट पर्सन था, तो वो भी उसकी स्माइल को देखकर हंसे बिना रह नहीं पाया. तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है? चलो, मैं तुम्हें रख लूँगा, तुम मेरे लिए खाना बनाना, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता, बस मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. तो हरि सिंह को खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन उसने झूठ मूठ बोल दिया कि हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि उसे ये शहर उसके लिए नया था, और उसे कहीं रहने की जगह चाहिए थी, कहीं सर छुपाने की जगह चाहिए थी, तो इसलिए वो झूठ बोल देता है. और वो चले जाते हैं. अब क्या है, अनिल का घर एक मिठाई की दुकान के ऊपर होता है. ठीक है, घर क्या होता है, कमरा होता है, जिसमें एक ही कमरा होता है. तो उसको कहता है, चलो ठीक है, तुम बालकनी में सो जाना, और वो खाना खाते हैं, और खाना जो भी है, वो कहता है चलो खाना बनाओ. ठीक है, तो हरि सिंह उसके लिए खाना बनाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला होता है, उसे खाना बनाना नहीं आता, तो बहुत ही बेकार खाना बनाता है. तो अनिल उसको नहीं खाता है, बल्कि स्ट्रीट डॉग को जाके दे देता है. तो फिर वो कहता है, चलो अब तुम निकलो, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता. तो फिर जो हरि सिंह है, वो बड़ा बेचारा जैसा मुंह बनाता है. तो अनिल कहता है, चलो, वो उसको पैट करता है, कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी सिखा दूंगा. तो हरि सिंह बड़ा खुश होता है मन ही मन. तो वो कहता है, वाओ, अभी मैं थोड़ा बहुत पैसे चुराता हूँ, थेफ्ट करता हूँ, जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मैं इसको बड़ा स्किलफुली कर सकता हूँ. तो वो इस तरह से उसके घर में रहने लगता है. तो उसको, हरि सिंह को भी बड़ा अच्छा लगने लगता है अनिल के घर में, क्योंकि अब उसे क्या मिलता है, वहाँ सुबह उठ के अनिल उसके लिए चाय बना के दे देता है, क्योंकि अनिल जल्दी उठता था. और फिर उसके बाद उसको ग्रॉसरी जब भेजा जाता था हरि सिंह को, तो वो ग्रॉसरी में से भी बचा के 1 रुपया अपने लिए रख लेता था. तो इस तरह से वो पैसे रखता था, और उसे बुरा भी नहीं लगता था, क्योंकि उसे अनिल कोई पैसे नहीं देता था, तनख्वाह नहीं देता था, सैलरी नहीं देता था, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता था. ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि
वो खाना खा के आधी रात को सो रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, उससे पहले क्या होता है, अनिल का कोई प्रॉपर वर्क नहीं होता, उसको एक प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती होती, वो यहाँ वहाँ से पैसे बनाता रहता है, ठीक है। जिस तरह से मतलब छोटे छोटे काम कर करके, कभी उसके पास पैसे नहीं होते, किसी से लेता है, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो किसी को दे देता है, तो इस तरह से उसका काम चलता है। एक दिन वो नोटों का बंडल घर में लेके आता है और कहता है कि आज मैंने पब्लिशर को एक बुक बेची है, तो उसके ये पैसे हैं। अब वो क्या है, उस नोटों के बंडल को अपने मैट्रेस मैट्रेस यू अंडरस्टैंड, ये होता है ना जिसपे हम बिस्तर में सोते हैं, उसका गद्दा जो होता है उसे मैट्रेस कहते हैं, उसके नीचे रख देता है उस बंडल को। तो वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं। फिर आधी रात में हरी सिंह उठता है और वो सोचता है कि मैं ये अच्छा मौका है, मैं ये नोटों का बंडल लेके उठा के चोरी करके भाग जाता हूँ, लखनऊ से हमेशा के लिए चले जाऊँगा आज रात की 10:30 की ट्रेन से। तो वह ऐसा सोचता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कहता है कि ये अनिल जो है ये बहुत ही केयरलेस है, तो इसके अगर मैं पैसे चुराऊंगा तो ये तो नोटिस भी नहीं करेगा और फिर चोरी का मजा ही नहीं आएगा। तो फिर लेकिन वो इस चीज़ को साइड में रखता है और वो पैसे लेके वहां से भाग जाता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंचने से पहले वो पैसे गिन लेता है। कितने होते हैं वो होते हैं 600 रुपये होते हैं, और वो 50 का बंडल होता है, ठीक है, 50 के नोटों का बंडल होता है। तो यानी 50 के 12 उसमें नोट होते हैं, तो वो 600 रुपये होता है। उस टाइम 600 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहता है वाह, अब मैं 2-3 हफ्तों तक तो बहुत ऐश की जिंदगी जीऊंगा इन पैसों से। पर जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और 10:30 की ट्रेन आती है और वो ट्रेन में बैठता ही नहीं है, ट्रेन निकल भी जाती है तो भी वो नहीं बैठता है, नहीं जाता है। लेकिन उसको खुद को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भागता क्यों नहीं है। और ट्रेन निकल जाती है और वो रेलवे स्टेशन पे अकेला रह जाता है, कोई नहीं होता है वहाँ। फिर वो क्या है, जाके गार्डन के बेंच में बैठ जाता है और अचानक से बारिश होने लगती है और उसके जो पॉकेट में वो नोटों का बंडल रखा होता है वो भीग जाता है, मतलब वो खुद भी भीग जाता है तो पैसे भी भीग जाते हैं। फिर वो जाके क्लॉक टावर में शेल्टर लेता है, वहाँ जाके बारिश से बचने के लिए क्लॉक टावर में चला जाता है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि उस शहर में अनिल के अलावा तो वो किसी को जानता नहीं है, और केवल अनिल का ही घर है जहाँ वो वापस जा सकता है। तो वो वापस घर आ जाता है और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो अनिल उसे चाय देता है ना, और अनिल उसे 50 का नोट भी देता है और अनिल कहता है अब से मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दिया करूंगा। तो जब हरी सिंह ने वो नोट देखा तो वो नोट गीला था और वो समझ गया कि अनिल को पता चल चुका है कि ये मैं उसके पैसे लेके भाग गया था। बट उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई गिल्ट नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई एंगर नहीं था, और ना उसने मुझे कुछ डांटा, नौकरी से निकाला, कुछ कहा, ना कोई सैडनेस थी उसके चेहरे पे, और मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिल को सब कुछ पता चल चुका था, ठीक है। तो इस तरह से हरी सिंह को रियलाइज होता है कि वो जो काम कर रहा था वो अच्छा काम नहीं था, वो अनिल को धोखा दे रहा था और वो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से अनिल की अच्छाई ने, अनिल के सॉफ्ट हार्टेडनेस ने, उसकी अच्छाई ने हरी सिंह का दिल जीत लिया और उसको बदल दिया, बुरी राह पे चलने से उसको बचा लिया और उसे अच्छे रास्ते पे चलाया और उसे पढ़ाने लिखाने लग गया। तो इस चैप्टर का अब एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है कि कोई अगर बुरा हो तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई को अच्छाई से जीता जाता है, जैसे कि अनिल ने किया, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।